Good morning, students. In our previous class, we read about the school and market. Today, we read about the police station. This is the another place of our neighborhood. Okay, so let's start it. Police station. So, you know that ki police station mein kaun kaun hote hain? Yes, policemen hote hain. So, dekhiye. A police station is the place where many policemen work. A police station is the place where many policemen work. तो एक पुलिस स्टेशन वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे पुलिसमैन काम करते हैं, बहुत सारे पुलिसकर्मी काम करते हैं. पुलिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स. पुलिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स. ठीक है, अब देखिए बेटा, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? बचाना. अस यानी हमें. तो पुलिस हमें किससे बचाती है? थीव्स. थीव्स का मतलब होता है चोर. THIEVES. थीव्स का मतलब होता है चोर. तो पुलिस हमें चोरों से बचाती है. एंड रॉबर्स. ROBBERS. रॉबर्स. रॉबर्स का मीन क्या होता है बच्चा? लुटेरे. ठीक है, तो पुलिस हमें किससे बचाती है? चोर और लुटेरों से बचाती है. एंड कीप द नेबरहुड सेफ. एंड कीप द नेबरहुड सेफ. और हमारा जो आस पड़ोस है उसको सुरक्षित रखती है. पुलिस हमको चोर और लुटेरों से बचा के हमारे आस पड़ोस को कैसा रखती है? सुरक्षित रखती है. ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? पोस्ट ऑफिस. ये हमारा अनादर एक प्लेस है जो कि हमारे नेबरहुड में आता है. ठीक है, तो देखिए, ए पोस्ट ऑफिस हेल्प अस टू सेंड लेटर्स टू अदर प्लेस. ए पोस्ट ऑफिस हेल्प अस टू सेंड लेटर्स टू अदर प्लेस. एक जो पोस्ट ऑफिस होता है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मदद करता है. सेंड लेटर. सेंड का मतलब होता है भेजना. तो हमारे जो लेटर्स होते हैं, जो पत्र होते हैं, उनको भेजने में हमारी बहुत हेल्प करता है. टू अदर प्लेस, दूसरी जगह पे. ठीक है, तो देखो बेटा, एक पोस्ट ऑफिस में हम क्या करते हैं? हम जो लेटर्स वगैरह लिखते हैं उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देते हैं. ठीक है, डाल देते हैं. फिर उसके बाद में वो लेटर जिस प्लेस पे हम पहुंचाना चाहते हैं उस प्लेस पे पहुंच जाता है. ठीक है, तो ये हमारे लेटर को वन प्लेस से अनादर प्लेस पे पहुंचा देता है. वी कैन आल्सो बाय स्टाम्प्स, पोस्ट कार्ड एंड एनवलप फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस. वी कैन आल्सो बाय स्टाम्प्स, पोस्ट कार्ड एंड एनवलप फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस. अब देखिए बेटा, हम पोस्ट ऑफिस से क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं, क्योंकि BUY बाय का मीन्स होता है खरीदना. तो हम पोस्ट ऑफिस से क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं? स्टाम्प. स्टाम्प क्या होता है बेटा? स्टाम्प होता है हमारे जो लेटर होते हैं उनके बाहर एक चिट लगी हुई होती है, उसको स्टाम्प बोलते हैं. पोस्ट कार्ड. पोस्ट कार्ड जिसपे हम लेटर लिखते हैं. एंड एनवलप. एनवलप का मतलब होता है लिफाफा, जिसके अंदर हम हमारे लेटर को डालते हैं, चिट्ठी को डालते हैं, उसको बोलते हैं एनवलप. एनवलप का मतलब होता है लिफाफा. और ये सब हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, कहाँ से परचेज कर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस से. ओके, तो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पोस्ट ऑफिस के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे. सो स्टूडेंट्स, गुड बाय. आई होप यू अंडरस्टैंड.